हेलो दोस्तों, हम रॉकवेल के 450 लीटर जो ग्रीन मॉडल आता है, कॉपर के अंदर 100% कॉपर रहता है, इसकी आज हम आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। मैंने अनबॉक्सिंग कर ली है, इसकी जो पॉलीथीन है वो हटानी बाकी है। आप इसको देख सकते हैं, फिर मैं आपको इसकी पॉलीथीन वगैरह भी हटाकर दिखाऊंगा। ये पीछे से उस कुछ इस टाइप का है, 4 स्प्रिंग दिए गए हैं डोर को रोकने के लिए। और तो दोस्तों, मैं इसकी पॉलीथीन हटा लेता हूँ, फिर आपसे मैं मिलता हूँ। तो मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है रॉकवेल के ग्रीन 450 मॉडल डी फ्रीज की। इसके अंदर इसका कुछ ऐसा लुक है, इसके बाद मैं आपको इसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा। आप एक बार इसका लुक देखिएगा, वो पीछे से कुछ ऐसा है। यहाँ इसके सीरियल नंबर वगैरह दिए गए हैं, और इसके साथ ये रॉकवेल का ग्रीन मॉडल है। इसमें 4 हिंग्स दिए गए हैं जो आपको दिख ही रहे होंगे। तो दोस्तों, अब मैं इस रॉकवेल का जो 450 लीटर डी फ्रीज है वो आप देख चुके हैं। अब मैं इसको एक एक करके इसके फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। इसके अंदर कंपनी ने 90 mm पफ दिया है, जिससे होल्ड आवर कैपेसिटी बढ़ जाती है फ्रीज की, जब लाइट वगैरह लॉन्ग कट लगता है। और इसके अंदर क्या है कि भी ये इसकी बॉडी वगैरह गर्म नहीं होती है, जैसे अनदर ब्रांड में बॉडी गर्म होती है। जो इसका कंडेंसर है वो नीचे कंप्रेसर के साथ में दिया गया है। कंपनी इसकी 10 ईयर बॉडी वारंटी देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी जितनी वारंटी है उतनी ही चलेगी। कंपनी इसकी 12 साल लाइफ बताती है। और इसके साथ इसके अंदर 5-स्टार कंप्रेसर आता है, जो एनर्जी सेविंग है। जैसे गर्मियों में टेम्परेचर बहुत हाई चला जाता है, तो कुछ कंप्रेसर या डी फ्रीज हैंग हो जाते हैं। इसमें हमारे में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। कंपनी ने 42 डिग्री सेल्सियस पर इसको टेस्ट किया है, और 42 डिग्री सेल्सियस पर ये वर्किंग कंडीशन में रहता है। इसकी जो कंपनी बॉडी की मोटाई देती है वो काफ़ी मोटी रहती है अनदर कंपनी से। इसकी जो मोटाई वो 90 mm रहती है, आप देख सकते हैं कितना मोटा है। और अनदर कोई भी ब्रांड आप लेंगे या रॉकवेल का जंबो मॉडल लेंगे, तो उसमें 60 mm आपको प्रोवाइड करती है कंपनी। इससे फ़ायदा ये होगा, अगर लॉन्ग कट लगता है तो उसमें आपकी हेल्प रहती है, कभी डी फ्रीज का टेम्परेचर बना रहता है। ये जो कंपनी डी फ्रीज देती है, कन्वर्टेबल मॉडल रहता है। इसमें आप आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक दोनों रख सकते हैं, लेकिन एक टाइम पर आप एक ही चीज़ रख सकते हैं। कंपनी इसके साथ आपको एक ये जाली देती है, जिसमें आप यहाँ पे अपना दूध, दही, आइसक्रीम, लस्सी कुछ भी रख सकते हैं। और एक बास्केट प्रोवाइड करती है कंपनी। ये कुछ यूजर मैनुअल है, और इसके साथ आइस स्क्रैबर भी आता है, जिससे आप अपने फ्रीज की आइस वगैरह हटा सकें। अंदर इसमें GIPP मेटल का यूज होता है, जो जिसके अंदर जो जर वगैरह है वो बहुत कम लगता है। इसके अंदर जर लगने का चांस बहुत कम रहता है। बीच में एक डिवाइडर दिया गया है, जिस पे इसके दोनों डी फ्रीज के ढक्कन रखे जा सकें। ये देखो, ऐसे बंद हो जाता है ये। और इसके डी फ्रीज के ढक्कन जो हैं बिल्कुल स्प्रिंग जो हैं इसके सॉफ्ट रहते हैं, जिससे ये डी फ्रीज के ढक्कन ऊपर आसानी से रुक जाए। और इसके अब मैं आपको दूसरे फीचर्स के बारे में बताता हूँ। इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा है वो 5-स्टार रेटिंग के साथ रहता है। जैसा कि कंपनी ने बताया है, 53% पावर सेविंग करता है, और 100% ग्रीन है। ग्रीन इसलिए कंपनी ने कहा है क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा है, पावर बिजली की खपत कम है इसकी। अनदर कंपनियों से 53% बिजली की खपत कम रहती है। गारंटी वारंटी की बात करें तो 10 ईयर वारंटी रहती है कंपनी की ओन बॉडी की, 5 ईयर वारंटी रहती है कंप्रेसर। इसमें टर्म एंड कंडीशन अप्लाई हैं, जो आप परचेज करें जहाँ से वहाँ पूछ सकते हैं। 1 ईयर कंप्लीट वारंटी रहती है, 1 ईयर कंप्लीट मिलेगी, 5 ईयर कंप्रेसर, 10 ईयर बॉडी वारंटी है। हैवी ड्यूटी कन्वर्टेबल फ्रीज़र है इसमें। इसके साथ कंपनी जो कूलिंग कोयल है वो कॉपर की यूज़ करती है। इंडियाज़ फर्स्ट कंपनी है जो कूलिंग कोयल कॉपर की यूज़ कर रही है। ये विदाउट कॉपर भी आते हैं और कॉपर के साथ भी। कॉपर का ये है, थोड़ा रेट हाई हो जाता है। अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट है तो वो परचेज़ कर सकता है। इसके साथ अगर हम डी फ्रिज में नीचे आते हैं, तो यहाँ कंपनी ने
कंप्रेसर के लिए एक लाइट दी है और एक ऑन के लिए लाइट दी है। जो ग्रीन कलर की लाइट है वो ऑन के लिए है और इसके साथ एक कंप्रेसर के लिए येलो कलर की लाइट दी है। इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो रेफ्रिजरेटर के लिए डीप फ्रीज़र एंड फ्रीज़र के लिए टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम दिया है, जिससे आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें आप इसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप 1 to 5 रखेंगे, 1 to 5 रखेंगे तो ये ओनली कूल करेगा, और 5 to 7 रखेंगे तो ये डीप फ्रीज़र करेगा, मतलब कि जो आपने आइटम फ्रीज के अंदर रखा है उसको जमा देगा। ये इसका वायरिंग डायग्राम है और इसके साथ कंपनी डीप फ्रीज को 3 से 4 बार चेक करती है और उनके ये साइन स्टैम्प भी दिए गए हैं बाकायदा। ऐसा नहीं है कभी आपको नए फ्रीज में कोई दिक्कत वगैरह देखने को मिलेगी। पीछे सर्कुलेशन के लिए एक और वेंटिलेशन दिया गया है ताकि कंप्रेसर ठंडा रहे। रॉकवेल का टोल फ्री नंबर डीप फ्रीज पर दिया गया है, अगर आपको याद भी नहीं है तो आप अपने फ्रीज पर देख सकते हैं अगर कभी भविष्य में दिक्कत आती है तो। और इसका सीरियल नंबर वगैरह जो भी इसकी वोल्टेज एम्पेयर है वो सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसके साथ कंपनी रॉकवेल ब्रांड 1986 का ब्रांड है, 35-36 साल पुराना है, मेक इन इंडिया है, मेड इन इंडिया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैदराबाद में है कंपनी का, और ये काफ़ी हैवी ड्यूटी फ्रीज बनाती है जिनकी लाइफ अनदर ब्रांड से ज़्यादा रहती है। और इनके फ्रीज दिखने में भी सुंदर है और क्वालिटी में भी बहुत अच्छे रहते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। ये पीछे आपको दिख रहा है जो डीप फ्रीज नीचे रखा है, ये 910 मॉडल है, 810 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी भी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। अभी हम आपसे आशा करते हैं आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू दोस्तों।